तो दो चीजें यहां पर डिपेंड करती हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है, फिर चेकर कैसा भी हो आप जो है वो सिलेक्शन जरूर लेंगे। और सोचो अगर वो चेकर इनको मिल जाता वो चेकर इनको मिल जाता, समझ रहे हो ना, तो फिर तो और कहानी खत्म, फिर तो टॉप वन था फिर डेफिनेटली ना। तो वो चीजें होती हैं। तो आप वर्स्ट कंडीशन को सोचिए कि मेरे को घटिया चेकर मिला है तो मैं कैसे इतना स्कोर करूं कि मैं सिलेक्शन ले लूं। तो हम तो यही सीखते हैं ना कि भाई हम अगर बुरी स्थिति में भी फंसते हैं तो क्यों ना हमको कम से कम इतना नंबर दे कि हमारा सिलेक्शन हो ऐसा। ठीक, चलिए, तो ये तो होता है, इस चीज को मैं मानता हूँ, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। 10% लक का खेल होता है, आपका पेपर कौन चेक कर रहा है इस पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए आप जो है लक के थोड़ा ऊपर रहें, कि लक को भी आप अपने साथ लेके चले कि भाई मैं कितना भी घटिया क्यों ना लिखूं, मुझे इतने नंबर दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप यही वर्स्ट कंडीशन लेके चलें। ठीक है, आइए वापस लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्रोड क्षेत्र, लिखना क्रोड, लिखना यह वो क्षेत्र होता है जिसमें, यह वह क्षेत्र होता है जिसमें केवल वन्य जीव अधिकारी एवं कर्मचारी जा सकते हैं। द रीजन वेयर ओनली फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फॉरेस्ट पर्सनल कैन इंटर, वन्य जीव एवं वन्य जीव अधिकारी एवं कर्मचारी जो है वो जा सकते हैं। ना, इसमें पूरी तरह से मानव प्रवेश प्रतिबंधित होता है, इसमें पूरी तरह से या पूर्णतः मानव प्रवेश प्रतिबंधित होता है। द ह्यूमन एंट्रेंस इज कंप्लीटली बैंड इन दिस रीजन या प्रोहिबिटेड इन दिस रीजन। द ह्यूमन एंट्रेंस इज कंप्लीटली बैंड या प्रोहिबिटेड इन दिस रीजन, इसमें मानव प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इसकी बात हो रही है कोर क्षेत्र की बात हो रही है। लिखना यह जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास क्षेत्र होता है। यह जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास क्षेत्र होता है। दिस इज एप्रोप्रिएट हैबिटेट रीजन फॉर द वाइल्ड लाइफ, दिस इज एप्रोप्रिएट हैबिटेट रीजन या हैबिटेट एरिया फॉर द वाइल्ड लाइफ। यह जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास क्षेत्र होता है। फिर आ जाएंगे हम बफर क्षेत्र में, ये हो गया किसकी बात हो गई, क्रोट की बात हो गई, जो सबसे अंदर मिलेगा भीतर में। फिर आ जाओ बफर में, लिखेंगे यह पूर्णता नियंत्रित और अविध्वंसक क्षेत्र होता है। यह पूर्णतः नियंत्रित और अविध्वंसक क्षेत्र होता है। यह पूर्णतः नियंत्रित और अविध्वंसक ठीक है, इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड नॉन डिस्ट्रक्टेबल एरिया, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। तो यह पूर्णतः नियंत्रित और अविध्वंसक क्षेत्र होता है, कंट्रोल एंड अनडिस्ट्रक्टेबल रीजन या एरिया। लिखेंगे यहां पर अनुसंधान कौमा पर्यटन, यहां पर अनुसंधान पर्यटन तथा शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, यहां पर अनुसंधान पर्यटन तथा शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं। दिस रीजन इज यूज्ड फॉर द टूरिज्म रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस, दिस रीजन इज यूज्ड फॉर टूरिज्म एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस। यह क्षेत्र अनुसंधान शिक्षा और पर्यटन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में मानव प्रवेश, हाँ उसी में कंटिन्यू, इस क्षेत्र में मानव प्रवेश विशेष अनुमति के बाद, इस क्षेत्र में मानव प्रवेश विशेष अनुमति के बाद दी जाती है।
अब पर्यटन है मतलब ऑफ कोर्स इंसान तो जाएगा वहां पर, तो ऐसा भी नहीं है कि आपका मन तो आप चले जाओगे, आपको अनुमति चाहिए होती है, पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। तो लिखेंगे ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड विद स्पेशल परमिशन इन दिस रीजन, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड विद स्पेशल परमिशन इन दिस रीजन। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।